ऐसा कूल इफेक्ट डेविंची रिजोल्व में। अब डेविंची रिजोल्व का नाम सुनकर भाग मत जाना, काफी इजी है, घबराना नहीं। डेविंची रिजोल्व या फ्यूजन का नाम सुनकर आपको आसानी से बताऊंगा सब ये कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको वीडियो क्लिप को यहाँ पे कॉपी कर लेना है अल्ट और ड्रैग करके। ये क्यों हमने कॉपी किया है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इस चीज़ का, किसी ने नहीं बताऊंगा, किसी वीडियो में आपको ही नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इतना कर लेना है, उसके बाद में आपको इसको क्या करना है, आपको इसको करना है न्यू फ्यूजन क्लिप, नीचे वाली क्लिप को न्यू फ्यूजन क्लिप कर देना है और उसे आपको फ्यूजन टैब में ओपन कर लेना है, ओपन इन फ्यूजन कर देना है। ओके, बस इतना करने के बाद आप बाकी सब काम यही हम करेंगे। सिंपल शिफ्ट और स्पेस दबा के आपको एक ट्रैकर यहाँ पे ले लेना है, उसका नाम है प्लेनर ट्रैकर। सिंपल में यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रैकर, यहाँ पे चार पांच प्रकार के आ गए, लेकिन हमें यहाँ पे करना है प्लानर ट्रैकर को सिलेक्ट और इसे सिंपल कर देना ऐड। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर मीडिया वन के सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपल आपको इंस्पेक्टर में जाना है और यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, कंट्रोल्स, ऑप्शन और सेटिंग। तो यहाँ पे ऑपरेशन मोड में क्या करना है, ट्रैक को ही सिलेक्ट करके रखना है और उस रेफरेंस फ्रेम के ऊपर आपको आ जाना है जहाँ पर आपको इमेज या कोई टेक्स्ट को लगाना है। देखिए सिंपल हमें आप यहाँ पे टेक्स्ट को लगाना चाहते हैं और इमेज को लगाना चाहते हैं, सिंपल इसको आपको रेफरेंस टाइम को कर देना है सेट। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अभी सिंपल यहाँ पर एक पॉलीगन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। सिंपल बस ऐसे चार पॉइंट्स को आपको अपनी इसमें कर लेना है, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पर शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसी के अंदर आपकी इमेज फिट होने वाली है। ओके, इतना करने के बाद आपको सिंपल यहाँ से बैक साइड ट्रैक कर लेना है, बैकवर्ड ट्रैक और फॉरवर्ड ट्रैक भी यहाँ पे कर लेना है। ये दोनों करना इंपॉर्टेंट है, कई बार वीडियो में आपको ओनली फॉरवर्ड ही बताया जाता है लेकिन उससे कुछ काफ़ी दिक्कतें आती है, जब आप एडिट करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे ट्रैक कर लिया हूँ, अब ये पूरा काम यहाँ पर हो चुका है। अब हम सिंपल यहाँ पर इमेज को लगाने के लिए सबसे पहले ऐसे कॉर्नर पिन को सिलेक्ट करना है, ऑपरेशन मोड में जाकर फिर से यहाँ पर कॉर्नर पिन को ओके कर देना है। अब यहाँ पे जो आपके पास में आया है इसको आपको फिर से उसी तरह से आपको सेट करना है जैसे हमने पहले वाले को किया था। इन सर चारों कॉर्नर को हमने यहाँ पर सेट कर दिया क्योंकि आपकी इमेज इसी के अंदर आने वाली है, आप चाहे तो इसे थोड़ा ऊपर नीचे भी सेट कर सकते हो लेकिन रेफरेंस वही लगाना है आपको उसी तरह से। इतना करने बाद अभी हम यहाँ पे एक मीडिया पुल से इमेज ले लेते हैं जो कि डाविंची रिजोल्व का है। अब सिंपल इसको ग्रीन वाले पॉइंट के ऊपर आपको इसको कनेक्ट करना है, कई और करेंगे तो इफेक्ट नहीं दिखाई देंगे, आपको ग्रीन पर ही इसको सिलेक्ट करना है। इतना करती है आपकी इमेज जो है उस वाले बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। देखिए अब ये पूरी तरह से दीवार के ऊपर फिट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम इसे प्ले करके देखते हैं, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप आयरन मैन मूवीज़ या फिर ब्लैक पैंथर मूवीज़ में देखा होगा जैसे वॉल के ऊपर फोटोज़ होते हैं, तो एक्चुअल में वो फोटोज़ जो है नहीं छापे होते उस दीवार के ऊपर, ऐसे ही ट्रैकर का यूज़ कर वहाँ पर वो इमेज को लगाया जाता है। तो ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियोज़ के अंदर कुछ अगर आपको करना है बढ़िया से तो। लेकिन एक और आपको दिक्कत आ सकती है वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो हमने सेकंड वाली लेयर की थी किस लिए किया था, देखिए हम यहाँ पे एक और इसी तरह से क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो इमेज दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर क्रॉस नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सेकंड वाला लेयर किया है। तो इसको क्लिक करके आपको कलर टैब के अंदर जाना है और सिंपल यहाँ से मैजिक मास्क जो कि स्टूडियो वर्जन में अवेलेबल होता है लेकिन हम इंडियंस के लिए स्टूडियो क्या फ्री क्या सब हम यहाँ से निकाल ही लेते हैं किसी न किसी तरह से। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है और यहाँ से आपको जो सिलेक्ट एरिया है यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करने से आपको सिलेक्टेड एरिया पता चल जाएगा। देखिए जैसे ये सिलेक्टेड एरिया है लेकिन हमें इसको इन्वर्ट करना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो सिंपल यहाँ से इन्वर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये ऑब्जेक्ट मास्क है, यहाँ से हम सिंपल इन्वर्ट करेंगे। अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और हम इसे भी दोनों साइड में ट्रैक करेंगे आगे और पीछे। ओके, अभी हमारा पूरी तरह से यहाँ पे ये ट्रैक हो चुका है। ओके, इतना करने के बाद अभी हमें कुछ नहीं, यहाँ पे एक अल्फ़ा आउटपुट को इंसर्ट करना है, ऐड अल्फ़ा आउटपुट, और इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अभी ये पूरी तरह से कनेक्ट हो गया, अगर हम इसे प्ले करके देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उस इमेज के ऊपर, मतलब हमारे इमेज के ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आप देखिए हम इसे प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए आपको समझ में आया, देखो फिर से दिखाता हूँ, देखिए अभी हमारा ऑब्जेक्ट उस इमेज के ऊपर दिखाई दे रहा है ना कि इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। इतना इजी है डाविंची रिजोल्व के अंदर ये वाला इफेक्ट क्रिएट करना। आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों जरूर से लाइक के बटन को दबा दीजिए और आगे ऐसी ट्यूटोरियल्स चाहिए डाविंची रिजोल्व के बारे में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।